जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, दैट मींस डेरिवेटिव को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, उन सभी चीजों को हम वन बाय वन देखेंगे। एंड क्लास ट्वेल्थ में इस लेसन में मेनली सिक्स टॉपिक हैं, दैट मींस सिक्स एप्लीकेशन गिवन हैं। फर्स्ट वन इज रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज, किस तरह से हम क्वांटिटीज का रेट चेंज होता है और हम किस तरह से किसी भी क्वांटिटी का रेट चेंज को हम फाइंड करेंगे। देन सेकंड वन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इस टॉपिक में हम फाइंड करेंगे कि कोई भी इंटरवल किसी भी हम फंक्शन अगर गिवन है तो वो किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस फंक्शन में इंटरवल डिक्रीजिंग होगा। देन थर्ड टॉपिक इज टेंजेंट एंड नॉर्मल, दैट मीन्स अगर कोई कर्व हमें गिवन है, दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ कर्व यानी फंक्शन हमें गिवन है, सो किसी पॉइंट पर उसका टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा विद अ कंडीशन हम किसी भी कर्व का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हैं। देन फोर्थ टॉपिक इज अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन मीन्स अगर कोई क्वांटिटी हमें गिवन है और उसमें लिटिल बिट थोड़ा सा भी चेंज होता है, देन उसके रेस्पेक्ट में क्वांटिटी में क्या चेंजेस होगा वो हमें उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करेंगे। एंड देन लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा में हम किसी फंक्शन का वो पॉइंट फाइंड करेंगे जिस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। आज इस वीडियो में मैं केवल इन दो टॉपिक की बात करूंगा, रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी एंड इंक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन, और किस तरह से हम इसको यूज करेंगे, साथ ही साथ किस तरह से हम इसकी हेल्प से इन टॉपिक की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में और एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज। सपोज वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन, बी एनी रियल फंक्शन, एक हमें कोई फंक्शन गिवन है रियल फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, बिकॉज दिस इज द रियल फंक्शन, दैट मीन्स हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। सो इसका हमने कोई एक अप्रोक्सीमेट ग्राफ कंसिडर कर लिया, दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब यहां पर हमने क्या किया, कोई एक पॉइंट p कंसिडर कर लेते हैं, इस p पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम कंसिडर कर लेते हैं x कॉमा P पॉइंट का कोई एक नाइबरिंग पॉइंट कंसिडर करते हैं Q पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो X प्लस डेल्टा X कंसिडर कर लेते हैं एंड Y प्लस डेल्टा Y कंसिडर कर लेते हैं। जब हम P पॉइंट से X एक्सिस एंड Y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज X एंड दिस डिस्टेंस इज Y, सेम एज जब हम Q पॉइंट से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे, सो ये कंप्लीट डिस्टेंस होगी X प्लस डेल्टा X। सो ये जो डिस्टेंस है दिस विल बी डेल्टा X। सेम एज जब हम Y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सो दिस डिस्टेंस इज Y एंड दिस इज Y प्लस डेल्टा Y। सो फाइनली ये जो डिस्टेंस होगा दिस वन विल बी डेल्टा Y। पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं, दिस विल बी ए बी एंड सी। नाउ अब हम फाइंड करते हैं इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है जब हम पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट में कुछ भी चेंजेस करते हैं, दैट मीन्स इसमें चेंज करके हमने एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर लिया, देन कॉरस्पॉन्डिंग वाई के वैल्यूज में यानी वाई में भी कुछ चेंजेस होते हैं, यानी वो P पॉइंट जो है वो Q पॉइंट पर पहुंच जाएगा और जो Y कोऑर्डिनेट होगा वो Y प्लस और उसमें कुछ स्मॉल चेंज होगा डेल्टा Y। अब हमने क्या किया, रेट फाइंड किया रेट ऑफ Y विद रेस्पेक्ट टू X, दैट मीन्स दिस इज चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन
एक्स। चेंज इन एक्स, अब वाई में चेंज कितना हुआ, पहले वाई की वैल्यू थी वाई, देन बढ़कर वैल्यू हो गई वाई प्लस डेल्टा वाई, सो चेंज इन वाई इज डेल्टा वाई। सेम एज एक्स की इनिशियल वैल्यू थी एक्स एंड एक्स की वैल्यू चेंज करके हमने वैल्यू ले ली एक्स प्लस डेल्टा एक्स, सो चेंज इन एक्स इज डेल्टा एक्स। अब अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत स्मॉल है, दैट मीन्स डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है, सो ये जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है एंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, दिस विल बी डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हमने पहले क्लास में पढ़ चुका था कि डेल्टा, इफ एक्स टेंस टू जीरो हो और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हो, दिस विल वैल्यू इज डी वाई अपॉन डी एक्स। सो फाइनली अगर कोई कर्व हमें गिवन है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स और हमें रेट फाइंड करना है, रेट ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स दिस विल बी डी वाई अपॉन डी एक्स। सो इस इक्वेशन का हम या फिर इसका यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो डी वाई अपॉन डी एक्स ये एक अनदर डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, और इसका मीन्स ये होगा कि चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, अदरवाइज इसको अदर वर्ड्स में हम ऐसे भी बोल सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स मीन्स रेट ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस when r is equal to 5 centimeter. So questions में हमें क्या given है, हमें रेट फाइंड करना है चेंज ऑफ एरिया, दैट मीन्स अगर कोई एक सर्कल गिवन है और उसकी रेडियस में हम कुछ चेंज करते हैं, सो इट मीन्स क्या होगा, उसकी एरिया में भी चेंज होगा। सो अगर उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, सो उसके एरिया में चेंजेस क्या होगा, वो चेंज हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो फर्स्टली हम कंसिडर कर लेते हैं लेट रेडियस ऑफ सर्कल, दिस इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर, देन जो एरिया होगा सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल दिस विल बी पाई आर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन में हमें रेट फाइंड करना है रेट चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, दैट मीन्स हम एरिया को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू आर। सो रेट ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू आर दिस इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी आर। सो अब हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एरिया को, दिस विल बी ये कंसिडर कर लेते हैं कि एरिया इज इक्वल टू ए है, डिफ्रेंशिएट करते हैं, सो पाई इज कॉन्स्टेंट, पाई एज इट इज रहेगा, आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है आर स्क्वायर को, दिस इज डी अपॉन डी आर ऑफ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं, सो पाई इन टू टू आर। और क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन है आपको रेट फाइंड करना है एरिया का वेन आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सो आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर यहां पुट कर लेते हैं, सो डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू पाई इंटू टू इंटू फाइव, सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 10 पाई, बिकॉज एरिया का हम रेट फाइंड कर रहे हैं, सो इसका जो यूनिट होगा दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, दैट मीन्स यूनिट ऑफ एरिया डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ रेडियस। सो इस तरह से हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। एक अनदर क्वेश्चंस हैं, एक और क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें हम चेंजेस मतलब जो वेरिएबल्स हैं या जो रेडियस है उसे टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करेंगे। लेट्स सी, क्वेश्चन इज
volume of a cube is increasing, at the rate 9 cm³ per second, how fast the surface area of cube is increasing? When length side is equal to 10 cm. सो क्वेश्चन हमें ये गिवन है, हमें कोई एक क्यूब गिवन है, क्यूब का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, दैट मीन्स इंक्रीज हो रहा है एट द रेट 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट मीन्स पर सेकेंड उसका जो रेट है वो हमें गिवन है 9. और अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है हाउ फास्ट द सरफेस एरिया, दैट मीन्स जो क्यूब है, क्यूब का सरफेस एरिया किस रेट से चेंज होगा. सो फर्स्टली क्वेश्चन में जो गिवन है वो गिवन वैल्यूज हम लिख लेते हैं. सो फर्स्टली हमने कंसिडर कर लिया लेट साइड ऑफ क्यूब, दिस इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर हम कंसिडर कर लेते हैं. सो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, dv upon dt, this value is 9 cm³ per second. That means cube का जो volume है time के respect में change हो रहा है and ये rate हमें given है 9 cm³ per second. और हमें find करना है क्या, surface area. So ये हमें मालूम है कि जो volume है, volume of cube, this is equal to v इज इक्वल टू होता है एक्स क्यूब. वी को हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम. सो दिस इज 3x² एंड डी एक्स अपॉन डी टी, यानी वी की हेल्प से हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं डी एक्स अपॉन डी टी. सो डी वी अपॉन डी टी तो हमें गिवन है, सो दिस इज 9 एंड 3x² एज इट इज इंटू डी एक्स अपॉन डी टी. सो यहां से हमने dx अपॉन dt की वैल्यू फाइंड कर ली, 3 से ये कैंसिल कर लेते हैं 3 टाइम्स, सो 3 अपॉन x². नाउ अब हमें फाइंड करना है रेट ऑफ सरफेस एरिया. सो दिस विल बी ds अपॉन dt. We know that surface area of cube is equal to 6x². इसे differentiate कर लेते हैं, differentiate with respect to t. So ds upon dt, this is equal to 6 as it is. Derivative of x² is equal to 2x and dx upon dt. नौ सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सॉल्व कर लेंगे. सो फाइनली हमें रेट पता चल जाएगा एस का विद रेस्पेक्ट टू टाइम. सो 6 × 2 × वैल्यू ऑफ एक्स इज 10 सेंटीमीटर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की है 3 अपॉन x², एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 10 × 10. सो इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल कर कट कर देते हैं एंड दिस वैल्यू इज 36/10, दैट मीन्स 3.6. एंड यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट ऑफ सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम. सो यूनिट ऑफ सरफेस एरिया इज cm² पर सेकेंड. सो इस तरह से हम इस टॉपिक के बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, नाउ मेरा सेकेंड टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ही. सेकेंड वन इज increasing and decreasing function. Increasing and decreasing function. So
सो व्हाट इज द मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं, देन हम इंटरवल फाइंड करेंगे कि किस इंटरवल में अगर फंक्शन गिवन है सो किस इंटरवल में वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा. सो फर्स्टली हम ये कंसिडर कर लेते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी रियल फंक्शन. So y is equal to f x be any real function. Because ये एक real function है, so हम इसका graph भी plot कर सकते हैं. Let's say the graph of y is equal to f x be like this. ये y is equal to f x का हमने consider कर लिया कि कोई भी graph है. Now अब हम क्या करते हैं, कोई एक point consider कर लेते हैं. Points की जो corresponding x coordinate है उसको हम x1 कंसिडर कर लेते हैं, एक कोई अनदर पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं q पॉइंट, एंड q पॉइंट्स का जो x कोऑर्डिनेट है इस x कोऑर्डिनेट को हम x2 कंसिडर कर लेते हैं. और x2 हम इस तरह से लेते हैं कि x2 वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन x1. अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ही पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. दैट मीन्स हम f ऑफ x1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं एंड f ऑफ x2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. ये वैल्यू फाइंड करने के बाद अब हम इन्हें कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने का मीन्स हम ये देखेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है एंड कौन सी वैल्यू छोटी है. सो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट केस अराइज होंगे. फर्स्ट वन, इफ x1 इज लेस देन x2, दैट मीन्स x1 छोटा है एंड x2 बड़ा है, और हमें जो वैल्यूज मिली हैं एफ एक्स वन की वैल्यू छोटी है एंड एफ एक्स टू की वैल्यू क्या है, बड़ी है. दैट मीन्स छोटी वैल्यू पर वाई की वैल्यू कम है और बड़ी वैल्यू पर वाई की वैल्यू ज्यादा है. इट मीन्स ये जो फंक्शन का ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग शेप का. दैट मीन्स ये फंक्शन क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन. अगर एक्स की वैल्यू स्मॉलर है और एक्स टू की वैल्यू ग्रेटर है और कॉरस्पॉन्डिंग एफ एक्स की वैल्यू स्मॉलर है और एफ एक्स टू की वैल्यू ग्रेटर है, सो ये जो फंक्शन है इस कंडीशन में क्या कहलाएगा, जो एफ एक्स होगा दिस विल बी इस इंक्रीजिंग फंक्शन. नाउ सेकेंड केस इज इफ एक्स इज लेस देन एक्स टू, दैट मीन्स एक्स वन की वैल्यू छोटी है और एफ एक्स टू की वैल्यू बड़ी है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग जब हमने एफ एक्स वन फाइंड किया बट ये वैल्यू एफ एक्स वन की वैल्यू बड़ी आई और एफ एक्स टू की वैल्यू छोटी आई. दैट मीन्स इसका जो ग्राफ होगा लाइक दिस, इस तरह से कुछ ग्राफ होगा. यहां पर कोई एक्स वन है, एक्स वन पर जो वैल्यू है वाई की ये वैल्यू बड़ी है, जबकि एक्स टू पर यानी ज्यादा बड़ी वैल्यू पर जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसे है, वैल्यू कम है. सो इस तरह से जो ग्राफ होगा वो इस तरह से कुछ ग्राफ होगा, यानी जो फंक्शन का ग्राफ होगा वो फंक्शन कैसा होगा, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन. ये फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. इन दोनों ही केसेस में जहां पर ये वैल्यू एफ एक्स वन की वैल्यू एफ एक्स टू से कम है तो ये जो फंक्शन है ना, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. और इस केस में जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. दैट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूअसली अप हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, या फंक्शन अप कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है. नाउ थर्ड केस इज इफ एक्स वन इज लेस देन एक्स टू, बट जो एफ एक्स वन है ये आइदर इक्वल है या ग्रेटर है. दैट मीन्स फंक्शन की जो वैल्यू है ना वो इक्वल भी हो सकती है. सो जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, इस केस में केवल फंक्शन कहलाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन. जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन. सेम एज अगर एफ एक्स टू की वैल्यू इसके इक्वल बाय चांस आ जाती है, मीन्स इक्वल है या फिर बड़ी वैल्यू है, तो जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या कहलाएगा, सिंपली डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा. सो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन में हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि वो जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है. इसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज टू फाइंड इंटरवल
in which given function is either increasing or decreasing. यानी फंक्शन y is equal to fx, कोई हमें फंक्शन गिवन है, दिस फंक्शन इज नोन है, बी अ रियल फंक्शन, ये रियल फंक्शन हमें कुछ गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा. सो लेट स्टार्ट. फर्स्टली हमने क्या किया, y is equal to fx कोई भी एक रियल फंक्शन कंसिडर कर लिया. अब हम क्या करते हैं, बिकॉज ये रियल फंक्शन है सो इसका हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं. ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, वो ग्राफ किसी भी क्वाड्रेंट में आइदर फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ कहीं भी किसी भी शेप का हो सकता है. सो ये हमने कंसिडर कर लिया कि उस फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस तरह से कुछ है. अब इसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर फंक्शन की जो नेचर है वो चेंज होती है. दैट मींस फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और फंक्शन इंक्रीज होने के बाद जस्ट डिक्रीज हो जाता है, या फिर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने के बाद फंक्शन इंक्रीज हो जाता है. सो ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो फंक्शन का डेरिवेटिव है dy अपॉन dx, इस वैल्यू को इक्वल टू पुट कर लेते हैं जीरो के इक्वल. फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो है, इट मींस क्या हुआ, डेरिवेटिव को हमने पढ़ा है कि डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट मींस फंक्शन का जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है दैट इज इक्वल टू जीरो. एंड फंक्शन सॉरी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो है, इट मींस जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट पैरेलल होगा किस एक्सिस के, एक्स एक्सिस के. सो सबसे पहले हम वो पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं जहां पर जो फंक्शन है फंक्शन एक्स एक्सिस के पैरेलल है. सो हमने क्या किया, जो भी फंक्शन होगा उसे इक्वल टू जीरो पुट कर लेंगे, यहां से कोई एक इक्वेशंस मिलेगी, उस इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. बट हमें यहां पर दो वैल्यूज मिलती हैं, एक्स वन एंड एक्स टू. एक एक्स वैल्यू एक्स वन आ गया एंड दूसरा वैल्यू इज एक्स टू. ये एक्स टू वैल्यू मिल गया. वैल्यू एक्स वन पॉजिटिव हो सकता है, एक्स टू निगेटिव हो सकता है, वैल्यू एक्स वन निगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, समथिंग कुछ भी वैल्यू पॉसिबल है. एंड इस पॉइंट्स पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, यानी जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सेम एज इस पॉइंट पर भी जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा. नाउ अब हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं एक्स वन एक्स टू, इन्होंने पूरी रियल लाइंस को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. नाउ फर्स्ट वन इज दिस पार्ट, एक्स वन के लेफ्ट साइड का पार्ट, दूसरा पार्ट इज एक्स वन से एक्स टू तक, एंड तीसरा इज एक्स टू से अब. सो हमने क्या किया, एक रियल लाइन ड्रॉ कर लिया, ये एक्स वन पॉइंट, ये एक्स टू पॉइंट. सो कंप्लीट रियल लाइन तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गई. अब हम क्या करेंगे, हर रियल लाइन में वैल्यू चेक करेंगे dy अपॉन dx, dy अपॉन dx का साइन कैसा होगा. dy अपॉन dx का साइन हम देखेंगे साइन पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है. अगर dy अपॉन dx ये वैल्यू पॉजिटिव आता है, इट मींस क्या होगा, जो फंक्शन होगा फंक्शन इज इंक्रीजिंग. और अगर dy अपॉन dx की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन जीरो, दैट मींस निगेटिव वैल्यू, तो जो फंक्शन होगा फंक्शन इज डिक्रीजिंग. फंक्शन डिक्रीजिंग होगा. ग्रेटर देन जीरो पर कैसे ये पॉजिटिव आया, तब ये फंक्शन हम इंक्रीजिंग बोल पाएंगे. सो फिर से एक बार देखते हैं, dy अपॉन dx दैट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी dy अपॉन dx क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है. हमने क्या कंसिडर किया कि इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड किया. सो दिस इज द टेंजेंट एंड दिस इज द एंगल एंड दिस एंगल इज एक्यूट एंगल. जब एक्यूट एंगल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू टेन थीटा, एंड टेन जब थीटा वैल्यू एक्यूट होगा
तो जो टेन थीटा है, टेन थीटा वैल्यू कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ये वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव. और पॉजिटिव होने से हमें क्या पता चला कि इस पूरे इंटरवल में जो टेंजेंट होगा वो इस शेप का होगा. इस शेप का होगा दैट मीन्स जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन. वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. सेम अगर क्या है, हमने दूसरा कोई इंटरवल लिया और ये हम पॉइंट पर कंसिडर करते हैं, इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. तो ये जो थीटा का एंगल है ना, दिस विल बी ऑब्ट्यूज एंगल. और ऑब्ट्यूज होने से जो एम होगा, एम टेन थीटा, टेन थीटा ऑब्ट्यूज होगा, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. सो ये वैल्यू होगा निगेटिव वैल्यू. निगेटिव वैल्यू होने से हमें पता क्या चला कि जो फंक्शन होगा वो फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन. सो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन अगर हमें गिवन है तो उससे हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन से इंटरवल में वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन से फंक्शन में वो इंटरवल डिक्रीजिंग है. कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट स्टेप में जो फंक्शन गिवन है, फर्स्टली हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे. सो पहले हम क्या करते हैं, इसका लॉगरिथम लिख लेते हैं. सो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स हमें कोई गिवन है, फर्स्ट स्टेप में हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स. दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड कर लिया. नाउ सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को इक्वल टू पुट कर देंगे जीरो के इक्वल, ताकि हम एक क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर पाए. देन थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, उन क्रिटिकल पॉइंट्स की हेल्प से एक रियल लाइन ड्रॉ करेंगे. रियल लाइन अगर दो पॉइंट्स आते हैं सो रियल लाइन तीन पार्ट्स में डिवाइड होगी, और अगर एक्स का केवल एक ही वैल्यू आता है दैट मीन्स रियल लाइन केवल दो पार्ट्स में डिवाइड होगी. देन हर पार्ट में यानी हम क्या करेंगे, एक रियल लाइन ड्रॉ करेंगे, मेक अ रियल लाइन. देन फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जितना भी इंटरवल्स हैं इन इंटरवल्स में हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे. डी वाई अपॉन डी एक्स हम इस इंटरवल में फाइंड करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इस इंटरवल में फाइंड करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इस इंटरवल में फाइंड करेंगे. अगर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रहा है दैट मीन्स पॉजिटिव आ रहा है, तो फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन. और अगर डी वाई अपॉन डी एक्स लेस देन जीरो आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो फंक्शन कैसा फंक्शन होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन. सो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, चेक ऑफ साइन ऑफ dy upon dx. और dy upon dx के साइन की हेल्प से हम ये बता पाएंगे कि कौन सा फंक्शन जो है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है. सो जल्दी से हम क्या करते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड एक कोई क्वेश्चंस देख लेते हैं. सो क्वेश्चंस ये गिवन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स को एक फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स. और हमें क्या करना है, फंक्शन फाइंड करना है जिस इंटरवल में, मतलब इंटरवल फाइंड करना है जहां पर ये जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, आइदर इंक्रीजिंग है या फंक्शन डिक्रीजिंग है. सो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर लेना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स. सो डी वाई अपॉन डी एक्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर. अब सेकेंड स्टेप में हम पुट कर लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ताकि हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए. सो 2x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो. सो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी. देन थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, एक रियल लाइन बनाना है. रियल लाइन पे x की वैल्यू मार्क कर लेंगे. पूरी रियल लाइन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक 2 से लेस एंड 2 से ग्रेटर. सो अब हम क्या करेंगे, 2 से लेस कोई भी एक पॉइंट पर dy अपॉन dx का साइन चेक कर लेंगे. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 पर चेक कर लेते हैं. So, x is equal to 1 जब यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दिस इज 2 इंटू 1 माइनस 4, दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 2, दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू. नेगेटिव वैल्यू हुआ दैट मीन्स इस फंक्शन में जो dy अपॉन dx नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स जो फंक्शन होगा वो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन. नाउ नेक्स्ट इंटरवल में फाइंड कर लेते हैं dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 3 पर. सो दिस इज 2 इंटू 3 माइनस 4. So 6 minus 4, this value is 2 and this is positive value. और positive value आ रहा है, that means इस interval में जो function होगा वो कैसा होगा, increasing function. Finally, अब हम इसे लिख लेते हैं, जो fx है, fx is increasing. In किस interval में, 2 से लेकर infinity तक, यानी इस interval में function increasing होगा. और जो function fx है, this function is decreasing.
इन माइनस इंफिनिटी टू टू, और यहां पर हम हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं बिकॉज एक्स इज इक्वल टू टू पर ना जो फंक्शन है वो फंक्शन का जो ग्राफ होगा उस पॉइंट से उस फंक्शन का ग्राफ का नेचर चेंज हो रहा है, यानी उस पॉइंट पर जो टेंजेंट है, यानी इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो इस पॉइंट को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं इन इंटरवल्स में, हमेशा इस पॉइंट से पहले देखेंगे और इस पॉइंट के बाद में देखेंगे। सो इस तरह से हम इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।